तू यहाँ कैसे आ गई बे? मैं तो आपको देख के तेरे आ गई था यार। सॉरी आज लेट नहीं, लेट हो गया, मैं आ नहीं सका यार। लेट हो गया, मैं घर गया, मैंने कोई मम्मा भी नहीं ना आपो। तो तू डायरेक्ट तैयार हो गया पर आ गई। मैं 10 में भाग के आई था। अबे मेरा प्यारा मुन्ना, इसने आज बोला था कि आई भी जल्दी आना, लेकिन मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरा ब्लॉग अभी तक भी नहीं डला। आज अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और ब्लॉग नहीं डला, यहाँ का नेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इस नेट को हमारे साथ। यहाँ खाया जा रहा है भाई खाना और यहाँ पर लड़ाई हो रही है मासी मम्मा की। मुझे तो बड़ा मजा आता है, छुट्टी चलाए मुझे मजा आ रहा था। मारू बंदा कहाँ गया यहाँ से? शख्स टपाटस मिंडस बाहर निकल, ये समझ रहे ये बंदे अभी खोल सकता हूँ मैं, लेकिन खुल गया। सो इस व्लॉग को इधर से शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अबे तू मुझे लेने आई थी क्या? क्या चलो घर। हाँ लेने आई थी। भाई अभी न्यू शादी है तो वही घर का कभी सफाई करनी होती है, कभी सामान रखना होता है, तो इस वजह से मम्मा आ जाती हैं और मम्मा सारा समेटती हैं सबा के साथ। सो अभी फरिया और मैं जा रहे हैं घर और देखते हैं ये लोग कब तक आते हैं। गेट 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 कहाँ है? बड़े बड़े लोग अरे बड़े लोग यहाँ बैठे हुए नाश्ता किए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आप लोग? बिल्कुल ठीक। यही तो पूछना पड़ेगा क्योंकि अब तो अलग हो गए, वरना घर में कहाँ से अलग हो गए, एक ही घर भाई। नहीं घर में तो हम लोग साथ रहते थे ना, तो तबीयत हमें सबको पता होता था कि किसकी कैसी तबीयत है। लेकिन सोने के बाद पता होता था मेरी तबीयत। बस सोने तो गए था, सोने के बाद डायरेक्ट हमारा गया। अच्छा ये तो फुल एक्टर है, बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा। लेकिन मुझे एक चीज अब समझ आई है, जो तुम नाश्ता कर ले तो भाभी तुम्हें नाश्ता दे देती है, मतलब तुम्हें सुकून से जब तुम उठो मजा आ जाता है ना। हाँ, तुम्हें नहीं मिलता ये चीजें, मतलब मुझे पता लग रही है। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे मिलेगी ना, पहले वो घर में हाथ लगाएगी खीर में, उसके बाद फिर मुझे बना के देगी नाश्ता। नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता, फिर ऐसे भी हो सकता है सब, वो सिर्फ कहने की बात तो होती है, खीर पे हाथ लगाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ काम कर सकते हैं। क्या बात है यार, ये एक्सपीरियंस हमसे 1.5 साल पुराना एक्सपीरियंस है। सो फटाफट से करते हैं भाई नाश्ता, नाश्ते में केक और चाय। अबे तू कब आ गया? अभी अभी आया। नाश्ता कर फटाफट। अबे देसी तैयार हो रहे, इसका तो नाश्ता ही नहीं हो रहा। अबे अरे खाओगे? नहीं आप खाओ, मैंने अभी भी नाश्ता किया मेरा मुन्ना। नहीं नहीं आप खाओ। हाँ बैठा हूँ। सो भाई सभा भी आ गई है और हमें हस्बैंड वाइफ, मुझसे बोले नहीं जाता ये हस्बैंड वाइफ ना, ये सभा है और ये माज है, मतलब आई मीन के ये जो इनको जू नहीं बोलते, जू ZW Zoo, इन्होंने खुद नाम रखा था जू जू मेरा, मतलब निक नेम जो होता है। मुझे करनी थोड़ी सी बातें, बच्चे भी सुन सकते हैं कोई, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे शादी हो गई तो कंटेंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि न्यू सब्सक्राइबर्स को बतानी लाजमी है। बातें ये हैं कि हमारी शादी पता कैसे हुई है, लॉयल्टी 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 जो कि मैंने 5 साल से निभाई है इनके साथ। मींस कैसे कि हमारा रिलेशन हो गया था बहुत ही पहले, 5 साल पहले, जो कि इन्होंने मुझे किया था मैसेज। नहीं बताना सब है, नहीं ये बताना सब है। देखो यहाँ पर जल्दी करो, कट कट कट, बताऊंगी हाँ। हुआ ये था कि मुझे कभी कभी कोई कोई चीज अच्छी लगती है, तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखा ऐसे नहीं बोला जाएगा, ब्लॉगिंग के लिए बोलना लाजमी है और कॉन्फिडेंस ये सब होना चाहिए, इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताती हूँ तो आगे की इनकी भी कहानी सुने ना फिर आप लोग। मैंने इनको मैसेज किया, मतलब इनके एक दोस्त थे उनको बोला था, तो मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने मुझे डायरेक्ट अपना नंबर सेंड कर दिया, ना हाय ना हेलो कुछ भी नहीं। फिर वहां पे मैंने हाय किया तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल कर ली, मतलब इतने वो हैं ये, समझ रहे हो? क्या बताऊं मैं आपको, वो वाले सीन है, मतलब कि मैं इनकी आईडी में गया, मुझे ये बहुत पसंद आ गई ना, ठीक है, मतलब एक बार मैंने स्क्रॉल की आईडी, असल में अगर ये मुझे खुद मैसेज करती ना मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर मेरे दोस्त को बोला कि यार मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद है और वो दोस्त मैं था, उससे पूछा कि मैं इसको नंबर दूं या मैसेज करूं, तो उसने बोला नंबर दे दे चल, तो मैंने इनकी डायरेक्ट आईडी पे नंबर दे दिया, फिर वहां से डायरेक्ट हमारी कॉल बात शुरू हो गई। बहुत फास्ट सर्विस थी, और वो 5 साल पहले और आज 5 साल बाद हमारी शादी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लॉयल्टी है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें, वो कुछ नहीं बता रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे रिलेशन को 5 साल हो गए थे और 5 साल का वादा मैंने निभाया आपके साथ। सो थैंक यू सो मच। नजर लग जाए बस, ये बताना था बस ना, बोर्ड के सबको बताना था। क्या हो गया? ये चाहिए, ये नहीं मिल सकता तो? क्यों
डॉगी फरिश्ते नहीं आते मेरे घर में, फरिश्ते नहीं आते सच में। छोटा सा जैसे बेबी दिली थी, ना वैसा छोटा सा डॉग वो ला दे, बिल्ला बिल्ला चाहिए इनको। आप बना रहे आप सब बता दिए क्योंकि इसके पास जो दो बेबीज थी वो तो ये अपने घर पर ही छोड़कर आ गई, लेकर ही नहीं आई मैं से एक भी। सब इसको चाहिए तो बोलती डॉगी चाहिए मुझे। नहीं छोटी अभी ला रहे फिलहाल, टाइम बाद लाएंगे कुछ। प्रैंक करने वाले हैं हुसैन के साथ, बिल्ली का जी समझेगा बिल्ली है लेकिन ये है पर सबा का। टाइम 5:05 हो रहे हैं, हम भी आ गए इतने में। ना काम है अभी भी तुम्हारे घर में, अभी भी क्या क्या रहता है? अब सिर्फ बर्तन रहे तुम्हारे, बाकी सब हो गया। आज पूरा किचन चमका दिया अंदर बाहर से। कल झाड़ा था पूरा डस्टिंग, और आज जो है पूरा सरफ और साबुन से साफ करा है। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। अच्छा बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि अलग क्यों होगा, ये क्यों होगा। अबे भाई कमरा नहीं है इधर, जब भी तो दूसरा घर लेना पड़ा शादी के लिए। सही, और लोग समझ रहे कि मैं इधर से कुछ चले गया। नहीं भाई इधर कमरा नहीं था इस घर में, तो जब भी चले गए थे इनके लिए कमरा था, तो ये यहाँ पर है। तुम्हारे लिए नहीं था, नहीं था तो अलग लेना पड़ा। व्लॉग इधर से स्टार्ट होगा, इधर से शुरू होगा, और यही मेरी पूरी फैमिली है। आप लोग टेंशन ना लें, बस आहिस्ता आहिस्ता बंदा रूटीन में आता है। जब शादी होती है तो थोड़ी सी चेंजिंग आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं आती और ना आने देंगे। सो या तो भाई मोबाइल में ही लगी हुई है। क्या क्या हो रहा है? उठाओ उठाओ जल्दी 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 उठाओ जल्दी, बताओ क्या ये? 1 लाख हो गए मेरे, 1 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। ये सब यही देख के खुश हो जा रही है मुझे, मैं भी वहाँ खाना खा रहा था, मुझे भी बता रही है 1 लाख हो गए। लो पहली बार अकाउंट बनाया ना, खुशी देखो कैसी हो रही है। तो भाई ये ना टिकटॉक से थी, ना ये मेरे पास यूट्यूब से थी, ना ये मेरे पास इंस्टाग्राम से थी, बस ये कोई रैंडम बंदी थी जो कि हमें मिल गई थी मैसेज करके इंस्टाग्राम पे। सच बता रहा हूँ और क्या। भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये फिर जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने, और फरिया को भी साथ लेके जा रहे हैं। पीछे लग गई क्या? कब तक आओगे? बस मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। सबा को कहीं ले जाओ, देखो बेचारी कैसी उदास हो रही है। वो मुझे बोल रही थी कि 2 दिन से हम 3 दिन से घर में ही है, ले नहीं हो मुझे खुद हैरत हो रही है। तो मैं तो बस सुकून से रहना चाहता हूँ ना अभी। चलो फिर आज चलते हैं, प्लान बना लो। प्लान कर लेते हैं फिर कुछ। सही है मैं आप और सबा और टमाटर मिंडस। अब तू भी जाएगा, तू भी बहुत नेस्ती पोस्ती बन रहा है। यही छोड़ के जाओ इसको, छोड़ के जाए आप तो छोड़ के जाएंगे इसको। तो जैसे ही पापा आएंगे, पापा की गाड़ी में जाएंगे हम लोग, क्योंकि भैया चले गए अभी अपनी छोटी वाली फरारी के अंदर। सुन पापा, और टाइम 8 बज चुके हैं, जल्दी चले जल्दी, रेडी हो? तो हम लोग पापा का वेट कर रहे थे, और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट बाहर खाना खाने। भाई मेरा जो दिल है ना वो है स्टेक खाने का। आपका क्या मूड है? मेरा भी तीनों का स्टेक। तो डन हो गया, तो चलते हैं स्टेक खाने जल्दी जल्दी जल्दी। सो मॉम बैठेंगी भाई आगे मेरे साथ, बहन बैठी पीछे, और सब बैठिए पीछे। जब भी मम्मा होंगी तो मम्मा आगे बैठेंगी और सब पीछे बैठे करेंगे। पहले डी पे लाओ, हटो हटो हटो, ठोक दूंगा, हटो हटो हटो। यहाँ पर मॉम आप चूज करें फटाफट जल्दी जल्दी। तो मैंने टेरागोन स्टेक मंगाया, सबा का भी टेरागोन है, मम्मा का भी टेरागोन है, और इसका है चिकन टेरागोन। फटाफट से खाते हैं भाई खाना, अपने को थोड़ी। इसी के साथ साथ फाइनली खा ली है, बस ये सब्जियां इतनी सारी दी हुई थी, थोड़ी सी खा ली थोड़ी सी बच गई। मॉम ने सारी सब्जियां खा ली भाई, मॉम बेस्ट हो गया। अब जाएंगे भाई घर, बोलो पता नहीं आ ही रहे, जल्दी आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, सो फर्स्ट हमारा ये बाहर का डिनर था सबा के साथ, लेकिन इसमें मम्मा को भी लेके गया था। पापा को मैंने बोला था कि पापा आप भी चलो, लेकिन पापा बोले मैं नहीं जा रहा, मैं थक कर आया हूँ। और फरिया भैया के साथ गई हुई थी तो वो भी नहीं गए। सो यही है, जो जाता है जो बोलता है चलो लेकर, तो उसको लेकर चले जाते हैं हम लोग। बैठो बैठो बैठो, कहाँ भागे? पकड़ो 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 पकड़ो। सो आ गए भाई ये लोग भी, महाराजा भी आए हैं। वाओ सो रहे हैं, बड़े जल्दी आ गए महाराजा। आप सो रहे हैं? तंग नहीं करे? सो रहे हैं जी। ओए ओए भाई खतरनाक सो रहा है ये, सोने दो उसको, सोने का अंदाज़। सो जाओ। कहाँ गए तो तुम लोग? हम लोग बाहर खाना गए थे, तुम गए बाहर, आज हम भी चले गए। पहले मैं तो काम से गया था। हम भी काम से गए थे खाना खाने, तुम आए, मैं आया तो पापा बोले ये लोग तो खाना खाने चले गए, पूछा भी नहीं, बस स्टेक खाया है। बंदा फोन करके पूछ लेता है कि भाई हाँ इंतजार कर रहा हूँ मैं, आ जाओ तो फिर साथ चल लेंगे। नहीं
भाई ये बेचारा बहुत गमगीन हो गया भाई। उसे तुम घर पे थे, तुमसे पूछा था ना खाने चले गए, तुमने बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम चले गए, तुम्हें समझा तुम बाहर से खाना खा रहा हो, जब भी नहीं पूछा। नाराज हो जाते हैं बच्चियां। कौन सी बच्ची? ये ज्यादा बोल रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है। यहाँ पापा भाभी और फरिया खाएंगे खाना। 10:15 रह गए, फरिया बोलती है वहाँ नहीं जाओ, अभी मैं थोड़ा सा बैठ जाओ। जैसे 10 बजेंगे 10 बजे हम व्लॉग एंड करके वहाँ चले आएंगे, ठीक है भाई? तेरे पास 10 बजे का था, थोड़ा 10:30 बजे यार, प्यार करता है तेरा तो बोलता है थोड़ा रुक जाए करो, अभी तो जल्दी नहीं जाए करो, तो इसलिए थोड़ा रुक के जाएंगे। बस 11:15 हो चुके, फरिया ओके बाय बाय। अबे नहीं जा रहा, अबे अभी इनके चैलेंज बनाना है इनकी वीडियो का, इसलिए भी रुक गया मैं, मैंने बोला कि चलो रुक जाओ यार, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, पता नहीं कौन चैलेंज कर रहे हैं, क्या चैलेंज हो रहा है भाई तुम्हारा, ये खौफ हो रहा है। अच्छा मैंने देख लिया, ये गाड़ी में मजे से आए बैठ गए, हाँ। पर्ची देखी उस पे देखा एक बर्गर का ऑर्डर, मतलब आधा था खाते हो बता दिया। वाह भाई वाह, दो बंदे चैलेंज कर रहे हैं और एक बर्गर ले लिया, वाह ये बहुत काबिल आदमी, वाह 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 वाह। आज बन चुके हैं इनके कैमरामैन, अबे बनना तो पड़ेगा ना यार, हाँ यार भाई उसने बहुत कैमरा पकड़े, ओ भाई जज देख लो इनके व्लॉग की जज ये है भाई, प्लीज स्टॉप, नहीं रुको, बाकी जितने भी है वो आप इनके चैनल पे देखेंगे, यहाँ से बाय। और जो हमने सुबह सुबह बात की थी अपने रिलेशन की, सब थोड़ी सी ही थी और आप लोग बस समझ जाए उससे ही कि हमने कितना लॉयल्टी रखी है अपने रिलेशन में और शादी में। सो यार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर व्लॉग पसंद नहीं आया तो पसंद करने की कोशिश करें। बस अभी अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन हैं जिसमें हम लोग बातें करेंगे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे कम, सो या देन उसके बाद तो जैसी व्लॉगिंग थी पहले वाली, अगर नहीं देखी तो देख लो, उसमें घूमना फिरना गाड़ी वाड़ी खाना पीना ये सब होता था। तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें, ये एक्टिंग करें पीछे से किस चीज़ की। अच्छा भाई उम्मीद, उम्मीद आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो मेरी बारी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब अपनी अपनी सारी बारी ले लो, तुम भी बोल दो कुछ, आप भी बोल दें कुछ, मॉम की तरह बाय शेयर्स कर दें। लाए भाई लाए, दे दें भाई दे दें, दूध पकड़ना पड़ रहा है घर जाते हुए भाई, और तो कुछ रह गया पर। अच्छा वो कपड़े का है मम्मा, वो अंदर रखे हैं, वो कब में भिजवा। अच्छा हाँ एक और चीज, हाँ मैं बिस्कुट खाऊं ना, मुझे आप मिलो घर पे। ओके भाई ओके यार, 50-60 टेंशन सर पे रख दिए, 50-60 बस मिलो भाई मुझे। ओके ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अबे आप भी तो आना, अबे आने दो, अबे बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।